हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹5,292 इन 2 ईयर्स एंड टू ₹5,556.60 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द रेट एंड द सम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्यों, जरा इस बात को भी समझेंगे। 2 साल में आपका जो है 5,292 अमाउंट हो गया, 3 साल में कितना हो गया 5,556.60 रुपीज। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन देखेंगे। मेरी बात समझिएगा, अगर मैं सिर्फ तीसरे साल की डायरेक्ट बात करूं, तो जो 2 साल का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, बेसिक है। ये चीज़ मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में भी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। हम डायरेक्ट किसके लिए लिखेंगे, फॉर थर्ड ईयर। हम डायरेक्ट तीसरे साल पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे और इसी पे क्या करेंगे, अपना पूरा क्वेश्चन घुमाएंगे या सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, जो 2 साल का अमाउंट था 5,292। अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 5,556.60 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ में है, ये भी आपका रुपीज़ में है। अब देखिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, सर थर्ड ईयर है तो एन की वैल्यू 3 ले लिया। नहीं, आपने शुरुआत के 2 साल पे तो काम ही नहीं किया, आप डायरेक्ट थर्ड ईयर पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, एन की वैल्यू सिर्फ 1 होगी। आप सिर्फ 1 साल पे तो काम कर रहे हैं, डायरेक्ट आप तीसरे साल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आप पहले साल पे करते, दूसरे साल पे करते, तीसरे साल पे करते, तीनों मिला के करते, तब क्या होता, वो एन की वैल्यू 3 लेते। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, एन की वैल्यू 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट तीसरे साल पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए रेट पूछा गया, आप रेट पूछ लेंगे। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P × 1 + R/100 to the power n। अमाउंट कितना है आपका 5,556.60, प्रिंसिपल कितना है 5,292 × 1 + R/100 to the power n। n कितना है आपका, 1 है। 1 क्यों है, मैंने बता दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट तीसरे साल पे काम कर रहे हैं या डायरेक्ट तीसरे साल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 5,292 को आप इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, अपॉन 5,292 हो जाएगा 1 + R/100। ठीक है, पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। इसके बाद देखिए पॉइंट हटा, कितना 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़ेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये गया 2 बार में, 1 और 5 गया 7 बार में, फिर 1 और 5 गया 7 बार में, फिर बचा 1 और 8 गया 8 बार में, और फिर 3 बार में। इसको आप काटेंगे, ये गया 2 बार में, 6 बार में, 4 बार में एंड 6 बार में। आप इसको देखिए, अब ये किससे जा रहा है, अब देखिए 3 से हम चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से जा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 आया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन है। अगर दोनों में इवन होता तब हम क्या कह सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये सब तो आप जानते होंगे, बेसिक सी बात है। 8, 3, 11, 11, 7, 18, 18 और 7, 18, 7 कितना हो जाएगा 25, 25, 2, 27। 27 जो है 3 के टेबल में आता है, इसी वजह से ये नंबर भी क्या होगा, 3 के टेबल में जाएगा। उसी तरीके से हम इसको भी चेक कर लेंगे, 2 और 6, 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18। तो यानी इसका मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, 3 से टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों ही 3 की टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसको काट लीजिए आप, 3 8 24, 2 एंड 4, फिर 8 बार में जाएगा और फिर 2 बार में जाएगा। इसको काटिए आप, ये जाएगा मेरे ख्याल से 9 बार में, 2 बार में। ठीक है, 3 2 6, 1 एंड 8, 1 एंड 8 कितना जाएगा 6 बार में, और ये कितना हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा मेरे ख्याल से वन बार में 9261 और 882। इसके बाद देखिए क्या ये अब 3 से जा रहा है, 8 8 16, 16 और 2 18, इसका मतलब 18 3 की टेबल में आते हैं तो ये नंबर भी क्या होगा 3 की टेबल में आएगा। इसको भी चेक कर लेंगे, 9 2 11 11 6 17, 17 और 1 18, ये भी जा रहा है, काट दीजिए इसको 3 की टेबल से। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 2 एंड 8, 3 9 जा 1 एंड 4, 3 4 जा 12, ठीक है इसको आप काटिए। 3 3 जा 0 जा 8 जा एंड 7 जा, ठीक है। अब इसको देखिए क्या ये 3 से अभी भी जा रहा है, मेरा ख्याल है जा रहा है ये, 9 4 13 13 2 15, ये भी जा रहा है, ये जाएगा 9 बार में कितना हो जाएगा 27, और फिर जाएगा ये 2 एंड 4, 24 यानी 8 बार में, इसको अभी आप काटेंगे हो जाएगा 1029, ये मेरे ख्याल से 3 से अभी भी जा रहा है। नहीं नहीं अब मेरा ख्याल है ये नहीं जा रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, ये 3 से तो नहीं जा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब 7 से जा रहा है, इसको 7 से चेक कर लेंगे, ये तो जा रहा है आपका 7 1 7, बचेगा 3 एंड 2, 7 4 28, बचेगा 4 और 9, ये जा रहा है 7 1 7, 10 में से 7 क्या बचा है 3 3 और 2 यानी 32 यानी 32, 32 कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, कितना जाएगा 28, 4 एंड 9 कितनी बार में जाएगा 4 एंड 9 जाएगा 7 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा आपका, ये जाएगा मेरा ख्याल है 1 बार में, एंड फिर 2 एंड 8 जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब इसको हम फिर किससे कम रिड्यूस करेंगे, 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 7 1 जा, तो देखिए क्या है 21। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 21 बचा, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, तो यह आ जाएगा 21 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या बचा है 10 भी बचा हुआ है, इंटू 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100, यह आ गया 21 अपॉन 20। 1 RHS में प्लस में है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS में आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया -1 = r/100, 21 - 20, क्यों 21 से 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर इसके अपॉन में कुछ ना हो, कुछ ना होने का मतलब क्या है 1 है, ये सब बातें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बेसिक है बिल्कुल, अपॉन 20 = r/100, ये आ गया 1 अपॉन 20 = r/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5%, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात, ये तो आपका रेट आ गया, अब कह रहा है एंड द सम, द सम का मतलब है कि जो शुरुआत में आपका प्रिंसिपल दिया होगा, यहाँ पर वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ प्रिंसिपल तो लिखा हुआ है, तो बेटे ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, शुरुआत का प्रिंसिपल नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, जो कि दिया हुआ नहीं है, वही हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, अब हम पहले 2 साल पे काम करेंगे इकट्ठा, अलग अलग नहीं, अलग अलग करेंगे तो टाइम कितना लेंगे, एक एक साल लेंगे, लेकिन इकट्ठा शुरुआत के 2 साल पे काम कर रहे हैं तो क्या लेंगे, एन की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, अमाउंट दिया हुआ है शुरुआत के 2 सालों का, कितना दिया है 5292, और एन की वैल्यू क्या लेंगे, अभी मैंने बताया एन की वैल्यू हम 2 लेंगे, एंड रेट तो थ्रू आउट सेम होगा, रेट में कोई तब्दीली आएगी नहीं, तो रेट आया कितना है आपका 5, ठीक है। इस डेटा के साथ अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे, देखिए आसान हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, अमाउंट कितना दिया है 5292 इज इक्वल टू पी इंटू, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/100 टू द पावर n, n कितना है 2 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा जरा देखिए, हो जाएगा 5292 इंटू 100 एन प्लस 5 कितना हो जाएगा 105, और पावर कितनी है 2 बार है, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, इसको हम 2 बार ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं, 100 और 100 जाके 5292 से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 100 इंटू 100,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और 105, 105 क्या होगा, यहाँ पर ऊपर है, इस साइड जब शिफ्ट किए जाएंगे LHS में तो क्या हो जाएंगे, 5290 के, 5292 के डिनोमिनेटर यानी अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, किससे करेंगे हम, 520 ज़ा, 521 ज़ा, 520 ज़ा, 521 ज़ा, ठीक है। अब चाहे तो आप 21 से काट दीजिए, चाहे 3 से काट लीजिए, चाहे 7 से काट लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 से आसान है, 37 जा, अब देखिए कितना हो जाएगा, 31 जा, 2 एंड 2, 7 जा, 21 बार में, ठीक है, सॉरी 21, 1 एंड 9, 6 बार में जाएगा ये, 1, 7, 6 एंड 4। अब इसको आप डायरेक्ट 7 से रिड्यूस करिए, 7 से कितना जाएगा, 7 2 ज़ा, ठीक है, 7 2 ज़ा 14 आएगा, 3 एंड 6 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, फिर कितना जाएगा आपका, 7 2 ज़ा 14, 3 एंड 6 5 बार में, 1 एंड 1 एंड कितना हो जाएगा, 1 एंड 4 यानी 2 बार में, ठीक है। आप इसको ऐसा करिए, फिर 3 से रिड्यूस करिए, 3 7 जा, ठीक है, थोड़ा हॉश पॉश हो रहा है तो इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, 3 8 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, ठीक है। अब इसको फिर से करिए, 7 1 ज़ा और 7 12 ज़ा, प्रिंसिपल कितना आया, 12 बचा है, 20 बचा है एंड 20 बचा है, 2 2 ज़ा 4, 4 12 ज़ा, 4 12 ज़ा 48, 1020, 1020, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये जो 4800 रुपये या 4800 रुपीज़ आया है, ये आपका इनिशियल प्रिंसिपल है, हम क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था, ओके। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है अ सर्टेन सम अमाउंट टू 798.60 पैसे आफ्टर 3 ईयर्स एंड 878.46 पैसे आफ्टर 4 ईयर्स, फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द सम। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस हमको क्या दे दिया है, वैल्यू चेंज कर दी है, ईयर भी अलग अलग दे दिया है और आपका अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल भी, सॉरी तीसरे साल का अमाउंट और चौथे साल का अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट है। सॉल्यूशन फिर वही चीज, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फोर्थ ईयर पे वर्क करेंगे, चौथे साल के लिए यानी फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो 3 साल का क्या होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। यानी ये चीज जो है ये फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, फोर्थ ईयर के लिए आपका ये चीज़ ऑलरेडी क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, ठीक है, 4 मत ले लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए फॉर फोर्थ ईयर, डायरेक्ट चौथे साल में, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना दिया है, 878.46 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है, 798.60 इंटू 1 प्लस, रेट नहीं पता है तो शुरुआत में हम रेट ही निकालेंगे, n कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम डायरेक्ट फोर्थ ईयर पे वर्क कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा साल हमने टच नहीं किया है, इस वजह से हम एन की वैल्यू 4 न लेके क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए इसको, यह आएगा 878.46, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 798.60, ठीक है, 1 प्लस R/100, पावर 1 है तो उसको हम ज़्यादा तरजीह नहीं देंगे। पॉइंट के बाद दो गिनती, पॉइंट के बाद दो गिनती, पॉइंट क्या हो गया, अपने आप हट गया, इसको आप अब क्या करेंगे, 2 से रिड्यूस कर लीजिए, 2 3 जा 6,
वन और नाइन, टू एट जा, टू एट जा, टू थ्री जा, टू जीरो जा, ठीक है। आप इसको काटिए, किससे काटेंगे आप? टू से ही काटिए क्योंकि हम नीचे वाला हमने टू से काटा है। फोर बार में, थ्री बार में, नाइन बार में, टू बार में एंड थ्री बार में, ठीक है। अब देखिए ये तो थ्री से जा रहा है क्योंकि नौ नौ क्या हो जाएगा, 18, 18 तीन 21, 21 तीन 24, 24 क्या होता है, तीन की टेबल में जाता है, तो ये भी क्या होगा, तीन की टेबल में जाएगा। अब इसको देखेंगे, चार तीन सात, सात और नौ 16, 16 और पाँच, दो तीन मिलकर कितना हो जाएगा, पाँच, 16 पाँच 21, यानी ये भी थ्री से क्या हो, रिड्यूस हो रहा है। इसको रिड्यूस कर दीजिए, जाएगा 13310। ये कितनी बार में जाएगा आपका, थ्री से कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। थ्री वन बार में वन और थ्री बचेगा, वन बार में वन और थ्री बचेगा कितना जाएगा, फोर बार में 12, ठीक है, 12। वन और नाइन बचा कितनी बार में जाएगा, सिक्स बार में। वन और टू बचा फोर बार में जाएगा, फिर थ्री बचा वन बार में जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13310, ये हो जाएगा 14640। अब देखिए मुझे तो पता चल गया, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे कि आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना आता है? अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। जो ऑड पोजीशन पे है और जो इवन पोजीशन पे है, समझिएगा, ऑड नंबर और इवन नंबर मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ऑड पोजीशन पे है और जो इवन पोजीशन पे है। ऑड पोजीशन का मतलब पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी, सातवीं, नवीं, ऐसे, ठीक है। इवन पोजीशन मतलब दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, छठी पोजीशन, आठवीं पोजीशन, जो ऑड पे है और जो इवन पे है। जब आप उस उन दोनों को प्लस करेंगे अलग अलग, और उन दोनों को जब अलग अलग करने, प्लस करने के बाद जब उनको आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। अगर ऐसा है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, कितना हो गया, एक और छः मिलकर कितना हो गया, सात, सात और एक आठ। दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, चार चार मिलकर कितना हो गया, आठ। इवन पोजीशन का सम भी आठ आया, ऑड पोजीशन का सम भी आठ आया, दोनों को माइनस करिए, आठ माइनस आठ कितना होगा, जीरो। क्या जीरो 11 की टेबल में जाता है? बिल्कुल जाता है, जीरो हर किसी की टेबल में आता है, ठीक है। कितनी बार में, जीरो बार में। 11 जीरो से कितना होगा, जीरो। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो, सॉरी, अगर इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का जो डिफरेंस था, उनके सम का जो डिफरेंस था, वो अगर 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। और अगर आप ये ट्रिक मान लीजिए नहीं समझ पा रहे, तो मुझे कमेंट में बताइए, इस पर भी मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो अंदाजे से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 1331 11 का क्यूब है, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसको आप काट लीजिए, फिलहाल ये जाएगा 1210, ठीक है। ये जाएगा 11 1 जा, 11 यहाँ से बचेगा 3 और 6, फिर जाएगा 3 बार में, फिर बचेगा 3 एंड 4, फिर जाएगा 2 बार में, फिर बचेगा 1 एंड 1, फिर जाएगा 1 बार में, 1 3 2 1 1 2 1 2। अब देखिए क्या ये नंबर आपका 11 से जा रहा है? आई डोंट थिंक सो ये जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं बताता हूँ। ये आएगा 1321 अपॉन 1210, ये प्लस वन इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा -1 इज इक्वल टू R/100। जी 11 से नहीं जा रहा, ठीक किया मैंने। ये हो जाएगा 1321 -1210, 1210 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1210 इज इक्वल टू R/100। ओके, इसके बाद देखिए 1321 में से 1210 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 1321 में से 1210 कितना आएगा, 1 1 एंड 1, ये बचा 1 1 1 अपॉन 1210 इज इक्वल टू R/100, ठीक है। जीरो से जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 1 1 अपॉन 1210 इज इक्वल टू R। अब हम एक काम करेंगे,
सही किया मेरे ख्याल से, गलत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो 111 एंड 121 का जो वो है मतलब डिनोमिनेटर में लिखे, इसकी हम डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिंपली डिवाइड करना है, टाइम बचाने के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करिए, इसको अपने से करिएगा। वन 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 डिवाइडेड बाय 121, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आया है 0.91, ठीक है। इनटू हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9.1 इज इक्वल टू आर। इसको हम अप्रॉक्स करने के लिए आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 10% ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी आंसर आए हैं वो आर की वैल्यू 5%, 10%, 20%, 40% इस तरीके से आए हैं, इस वजह से हम आर क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फाइंड द इंटरेस्ट रेट, वो तो हमने पता कर लिया 10% आएगा। एंड द सम, सम कैसे पता करेंगे, सम का मतलब है इनिशियल अमाउंट, सॉरी इनिशियल प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो हम पहले साल से लेकर चले थे, वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, वही क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 सालों के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ठीक है। एन यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब एन 1 मत ले लीजिएगा। अमाउंट कितना दिया है शुरुआत के 3 सालों के लिए, 798.60 पी इंटू 1 प्लस, रेट कितना आया है, 10 आया है, तो जाएगा 10/100 की पावर 3, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा पी इंटू 10 वन 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, 11/10 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। जाएगा 798.60, 10 10 10 को यहाँ लाके क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 798.60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये जो 11 11 11 है ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू पी, ठीक है। पॉइंट हटेगा नीचे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो 2 जीरो बढ़ा दिया आपने, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ। अब देखिए क्या ये 11 से जा रहा है, 7 ऑड पोजिशन ऑड पोजिशन ऑड पोजिशन, 8 और 8 और 7 15, 9 और 6 इवन पोजिशन इवन पोजिशन, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या, ये 11 से जा रहा है, ठीक है। 11 से इसको काट लीजिए, 11 वन जा, देखिए 11 7 जा हो जाएगा 77, बचेगा 2 और 8, फिर जाएगा 11 2 जा 22, बचेगा 6 एंड 6, फिर जाएगा 11 6 जा, फिर 0 जा, ये मेरे ख्याल से जो है फिर से ये 11 से जा रहा है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, 11 6 जा 66, फिर 6 6 हो जाएगा, फिर 11 6 जा, और फिर 0 जा, 11 1 जा, 11 6 जा एंड 0 जा, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल देखिए कितना आ गया, 60 यहाँ से मिला है और एक 10 यहाँ पर भी बचा हुआ है, प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, 60 यहाँ पर बचा था और एक 10 आपका ऑलरेडी ऊपर बचा हुआ है, तो कितना आ गया, 600 रुपये, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। यहां पर देखेंगे हमसे क्या करने कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल 15625 अमाउंट टू 17576 एट 4% पर एनम, कह रहा है कितने टाइम में आपका ये जो पैसा है ये इतना बन जाएगा 4% के हिसाब से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा, आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। हम सिंपली क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर उठाकर अप्लाई कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा,
अमाउंट इज इक्वल टू होता है पे इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर एन। अमाउंट दिया हुआ है कितना, 17576। प्रिंसिपल कितना दिया है, 15625। वन प्लस रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है आपको 4, तो जाएगा 4/100 टू द पावर एन। 4 1 जा 4 25 जा, 25 1 जा 25, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, और यहाँ हो जाएगा 17576। ये जो 15625 है ये इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, शिफ्टिंग के हिसाब से ये सब आपको आता होगा। 25 1 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26/25 की पावर एन। अब समझिएगा, ये आ गया 26/25 की पावर एन, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात, मतलब ये जो नंबर है ये भी 26/25 की पावर समथिंग ही होगा, तभी ये क्या है, बीच में इक्वलिटी का साइन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 25 इज इक्वल टू लिखूं 5 की पावर एन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 25 भी क्या होगा, 5 की पावर में ब्रेक होगा, तभी तो ये दोनों बराबर है। तो देखिए 25 होता क्या है, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर n, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम यही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ये जो नंबर है ये 26/25 की पावर समथिंग में ब्रेक होगा, ठीक है। चेक करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो ये 15625 है ये 25 की पावर 4 है। कितना है, 25 की पावर 4। वैसे तो मुझे याद था, लेकिन एक बार मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ। ये 25 की पावर 3 है, ना कि 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझसे भी गलती हो गई, सर ने कि टीचर हमेशा सही पढ़ा है इसलिए चेक कर लेना चाहिए। ये 15625 क्या है, 25 की पावर कितनी है, 3 है। ऊपर वाला क्या है, 26 की पावर है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 26/25 की पावर 3। अब कुछ बच करें सर इसमें गलती हुई है तो इसको भी चेक कर लीजिए, पता नहीं 26 के आगे 27 का है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। 26 × 26 × 26 यह आपका 17576, ठीक है, इस बार गलती नहीं हुई। अब देखिए इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ से ये यह हमारा आंसर हो गया, n कितना आ गया, 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का टाइम लगेगा इतने पैसे को इतना बनने में 4% के हिसाब से। ओके स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है इन व्हाट टाइम विल 1500 यील्ड 496.50 पैसे एट 10% कंपाउंडेड ईयरली। कह रहा है कितने टाइम में 1500 रुपए पर इतना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको टाइम तो पूछा है इन व्हाट टाइम, ठीक है, हमको टाइम पूछा है, लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको अमाउंट ना देखे क्या दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। तो देखिए बहुत आसान है सॉल्यूशन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के लेक्चर नंबर 1 में या पार्ट नंबर 1 में बताया था, ठीक है, डिराइव भी किया था इसको, 1 + r/100 टू द पावर n -1, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपको कितना, 496.50, प्रिंसिपल कितना दिया है, 1500 रुपये, जाएगा 1 + रेट दिया है आपको 10/100, एन निकालना है, ठीक है, तो एन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है, ऊपर भी लगा लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट -1,
इसके बाद देखिए 1500 को आप इसके नीचे ले आइए, ये हो जाएगा 496.50/1500, ये हो जाएगा 1+, अच्छा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 10, 1 या 10 और प्लस 1 11, 11/10 की पावर -1, सॉरी 11/10 की पावर n-1। पॉइंट लगा के कितनी गिनती बढ़ाएंगे, दो गिनती, तो बढ़ा लीजिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, ये 5 से काटेंगे इसको, 5 2 ज़ा यहाँ पे काटिए, 5 9 ज़ा 45, 4 and 6, फिर 5 9 ज़ा 45, 1 and 1 and 5 3 बार में, ठीक है, इसको 3 से काट लीजिए, 3 5 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि क्या कट रहा है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कटेगा, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 3 1/500 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1000, ये माइनस वन है, इस साइड का क्या हो जाएगा, अच्छा रहने दीजिए, अगले स्टेप में करते हैं, ये माइनस वन है, इधर शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, 3 3 1/10000 प्लस 1 = 10/11 की पावर n, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000, और उसमें जब 331 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1331/1000, समझ में आया ना, अरे वही चीज़ें जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, = 11/10 की पावर n, ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज़, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 1331/1000 = 11/10 की पावर n है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब क्या है, ये जो 1331 है और 1000 है, ये भी 11/10 की पावर समथिंग में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, तो देखिए, और यही चीज हमने कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी की थी, ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है, ये और ये जो 1000 है ये क्या है, 10 का क्यूब है, तो 11/10 की पावर 3 = इस साइड क्या लिखा था, 11/10 की पावर n, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू 3 ईयर्स, ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट के बजाय आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, और आपको एग्जामिनर सोचेगा कि आपको सॉल्यूशन में गलती करें, ठीक है। स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, चलिए स्कोर अप करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने कह रहा है, कहता है फाइंड टाइम इन ईयर्स इन विच 12,500 रुपीज विल प्रोड्यूस 3,246.40 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, मतलब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके का था, लेकिन बस क्या था यहाँ पे वैल्यूज चेंज है, रेट कितना दिया है 8% दिया है आपको, एन की वैल्यू यानी टाइम पूछ रहा है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट की वैल्यूज चेंज है, बस। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी 1+R/100^n-1, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 3246.40 = ये कितना दिया है आपका 1+8/100^n-1, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, चाहे इसको आप 4 से कर लीजिए, 4 2 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, ठीक है। ये देखिए कितना हो जाएगा 3246.40/1250, पॉइंट हटा नीचे कितने ज़ीरो पड़ेंगे, 2 ज़ीरो पड़ेंगे, इज इक्वल टू 25 + 25 + 2 कितना हो जाएगा 27, ये जाएगा 27/25^n-1, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप एक काम कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर आप ब्रेक करते हैं
3-2-4-6-4 ऐसा, इसको आप पहले ब्रेक ही कर लीजिए। जाएगा 5 बार में 2 5s, ठीक है। थोड़ा मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ ये मत सोचिए कि सर को नहीं आता है, ठीक है। ऐसे कुछ वो सोच रहा था कि ब्रेक करेंगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस वन है तो आप ब्रेक कर सकते हैं। 1 बार में, 6 बार में, 2 बार में, 3 बार में एंड 2 बार में। इसके बाद देखिए क्या ये ब्रेक हो रहा है। 5-2-7, 7 और 1 8, तो ये 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा, तो अब हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 1-6-2-3-2/125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 625 आएगा। डबल ज़ीरो लगा देंगे, यहाँ पर माइनस वन है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। 27/25 की पावर एन, ओके। अच्छा इसके बाद देखिए, आप समझिएगा मेरी बात, ठीक है। 6-2-5-0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6-2-5-0, उसमें फिर 1-6-2-3-2 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले ही कर दे रहे हैं। 6-2-5-0 प्लस 1-6-2-3-2, इसको आप प्लस कर लीजिए, 2 गया, 3 गया, 7 गया, 8 गया और ये 6-1 और 7 गया, ठीक है। ये आ जाएगा 7-8-7-3-2/6-2-5-0 इज इक्वल टू आएगा ये 27/25 की पावर n। अब देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर को या न्यूमिनेटर को किसी एक को भी इस नंबर की समथिंग पावर में तोड़ दें, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 625 डबल ज़ीरो, इसको अगर आप 25 की पावर में समथिंग तोड़ दें तो वही समथिंग पावर क्या हो जाएगी, 27 की भी होगी, जिसका आंसर ये होगा। समझ में नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। 625 डबल ज़ीरो क्या 25 की समथिंग पावर में होगा, पहले हम ये देखते हैं। 625 डबल ज़ीरो क्या 25 की समथिंग पावर में होगा, तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स को समझिएगा, इसका सोल्यूशन इतनी आसानी से मिलता नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक होता नहीं है। हो जाएगा 7-8-7-3-2/625, इसको मैंने ब्रेक कर लिया इन 200 करके, इज इक्वल टू 27/25 की पावर n, ठीक है। ये 25 की पावर समथिंग में ब्रेक नहीं हो रहा था, इस वजह से किया है, ठीक है। 625 तो हो रहा है, 25 का स्क्वायर है, लेकिन 100 नहीं हो रहा, इसी वजह से 100 को अलग लिखे। अब इसको मैं क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा, तो कर लीजिए आप, जाएगा 250, 230, 290, 230, 260 एंड 260, फिर आप इसको करिए 25 बार में, तो ये जाएगा आपका 210, 290, 260, 280 एंड 230, 19683 कितना है, 19683, हाँ ये ठीक है, 19683। 625 क्या होता है, 25 की पावर 2 होता है, ये ऑलरेडी 25 आ चुका है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/25 की पावर n, ठीक है। ये हो जाएगा नीचे का कितना हो जाएगा, 25 की पावर 3, 19683 इज इक्वल टू 27/25 की पावर n। अब आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जो 19683 है क्या वो 27 की पावर 3 भी होगा, अगर होगा तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से, 27 × 27 × 27 19683 हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। तो देखिए इसको भी मिल सकते हैं, 27 की पावर 3/25 की पावर 3 इज इक्वल टू 27/25 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं। जब ऊपर भी पावर सेम है, नीचे भी पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख,
होल में करके लिख देंगे, 27/25 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 27/25 की पावर n, ठीक है। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ईयर्स आ गई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, शुरू से फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ सकते हो तो सिंपली से आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, क्योंकि मुझे पता था कि 625/0/25 की पावर समथिंग में आ ही नहीं सकता है, सिर्फ 625 आ सकता है, लेकिन 625 के साथ 0 इस वजह से वो नहीं आ सकता है। इस वजह से मैंने क्या किया, उसको अलग कर लिया, मैंने 100 और 78732 को ब्रेक किया, ये 25 तक ले गया, और ये क्या कहाँ ले गया, 19683, उसके आगे जा ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं जाना चाहता था, यानी मैं रिड्यूस नहीं करना चाहता था, उसके आगे रिड्यूस हो ही नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि ये 5 से होगा, ये 5 से नहीं हो रहा है, 25 से होगा, 25 से नहीं हो रहा है, ठीक है, सीधी सीधी बात। अब इसके बाद देखिए, इसको मैंने लिख दिया 25 की पावर 2, ये क्या हो गया, 25 की पावर 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 25 की पावर 3 बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, सबने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा 19683। अब देखिए यहाँ 25 है, ये 25 की पावर 3 है, अगर ये 27 की पावर समथिंग में आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने इसको कैलकुलेटर की हेल्प से, आप अपने से चेक करिएगा, 27 की पावर 3 चेक कर लिया, तो ये कितना आया था, 19683, तो 27 की पावर 3 अपॉन 25 की पावर 3, ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है, तो हमने क्या कर दिया, होल पावर में लिख दिया, और यहाँ से n की वैल्यू को कंपेयर कर दिया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ईयर्स आ गई, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने कह रहा है, कहता है रुपीज 16,000 या 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अमाउंट टू रुपीज 18522, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टेड। तो देखिए बहुत आसान है ये सॉल्यूशन, यहाँ पर बात कर रहा है सेमी एनुअली की, तो सेमी एनुअली में क्या करते हैं हम, जो भी रेट होता है उसका क्या करते हैं, आधा ले लेते हैं, ओरिजिनल रेट का क्या करते हैं, हाफ लेते हैं। तो ओरिजिनल रेट 10 दिया, तो यहाँ कहता था कितना हो जाएगा, 5%। ओके अच्छा, इसके बाद देखिए ये आपका प्रिंसिपल है 16,000, 18,522 रुपए क्या है आपका अमाउंट है, लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ से जो एन आएगा, यहाँ से जो एन आएगा वो कितना आएगा, वो सेमी एनुअली वाला आएगा, कितना आएगा, सेमी एनुअली वाला आएगा। सेमी एनुअली वाले को ओरिजिनल एन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, लेकिन वहाँ पर रेट था, तो रेट को क्या करते थे हम, वो सेमी एनुअली में रेट आता था, ओरिजिनल रेट पाने के लिए हम 2 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट में 1+R/100 टू द पावर एन। ओके इसके बाद देखिए अमाउंट कितना है 18522, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 16,000 रुपये, 1+ रेट कितना हो जाएगा 5/100 टू द पावर एन, और एन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए 5 से काट दीजिए इसको, 20 बार में जाएगा, ये 1 बार में 20 और +1 कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 18522/16000 इज इक्वल टू 21/20 समथिंग, ठीक है। अब देखिए समझिएगा मेरी बात, ठीक है, इसको पहले आप रिड्यूस कर लीजिए, ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, ये 8 बार में जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 4 1 एंड 6, ये भाई क्या जाए 6 बार में, और ये 1 बार में, यहाँ देखिए कितना आया 9261/8000, ठीक है, इज इक्वल टू 21/20 समथिंग या एन, एन की अभी हमें वैल्यू पता नहीं है, फिलहाल तो हमको लोग को पता है कि 9261, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कई बार कराया है, 9261 21 का क्यूब होता है, और 8000 भी क्या है, 20 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/20 इज इक्वल टू 21/20 n, ठीक है, ये दोनों सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब इन दोनों की पावर भी क्या हो, सेम हो, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ईयर्स आ गया,
एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 ईयर्स आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेमी एनुअली वाला 3 ईयर्स आया है, ओरिजिनल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप सेमी एनुअली वाले ईयर को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 ईयर्स, ठीक है। 3/2 ईयर्स का मतलब है 1 whole 1/2 ईयर्स, या इसको आप कह सकते हैं 1.5 साल या 1.5 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल एन की वैल्यू आ गई, ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं मेरा पसीना, ठीक है। और इस वीडियो को उन बच्चों तक खासकर ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।